स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनके परिवार पे पहले ही मुश्किल बढ़ती नजर आ रही थी, अब लालू यादव पर भी गृह मंत्रालय ने लैंड फॉर जॉब केस में एक अलग मुकदमे में उनके खिलाफ चार्जशीट करने का और मुकदमा चलाने का एक तरीके से CBI को आदेश दे दिया है। क्योंकि लालू यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री रहे हैं, उनके खिलाफ ऐसे सीधा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। गृह मंत्रालय के बिना आदेश के या फिर परमिशन के मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, तो CBI ने उन्हें ये आदेश दे दिया है। इस पर पूरा बताऊंगा दोस्तों। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी और उनके बहन से पहले ही पूछताछ हो रही है और विपक्षी नेताओं का ये आरोप है कि जब से नीतीश कुमार के साथ मिलकर तेजस्वी ने सरकार बनाई तब से केंद्र सरकार और मोदी की सरकार इन्हें परेशान कर रही है। तो दोस्तों इस पर पूरी तरीके से बात करेंगे क्या है वीडियो में और क्या लालू यादव की किस प्रकार से मुश्किल बढ़ रही है, बने रहिए वीडियो में, सब बताऊंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। लैंड फॉर जॉब, सबसे पहले जानते हैं क्या है लैंड फॉर जॉब। दोस्तों लैंड फॉर जॉब स्कैम जो है वो CBI का आरोप है कि लालू जो जब रेल मंत्री थे 2004 से 2009 के बीच में उन्होंने लैंड फॉर जॉब स्कैम किया और उनके परिवार ने भी जमीन हथियाए हैं इस प्रकरण में। लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री हुई है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कराई गई है, ये नौकरी के बदले कराई गई है। नौकरी मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में दी गई है। लालू के परिवार ने बिहार में 1,00,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा जमीन महज 26,00,000 रुपये में हासिल कर ली। उस समय सर्कल रेट के हिसाब से जमीन की कीमत लगभग 4.39 करोड़ रुपए, लगभग 4.5 करोड़ के करीब करीब बताई जाती है। लैंड ट्रांसफर के ज़्यादातर केस में जमीन के मालिकों को कैश में भुगतान किया गया, उसकी भी कोई प्रमाण अभी तक निकल के नहीं आया सामने। तो दोस्तों लालू यादव के परिवार पे पहले से ही मुकदमा चल रहा है। राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव और उनकी बहन मीसा यादव पे पहले ही कई बार ED और CBI ने पूछताछ कर लिया है। अब लालू यादव को एक और मुकदमे में CBI अब इन पर कार्रवाई करेगी। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव के खिलाफ चलेगा केस। केंद्र सरकार ने CBI को दे दी है मंजूरी। तेजस्वी को चार्जशीट पर अब 21 सितंबर की को सुनवाई होगी। ये एक अलग मामला है दोस्तों तेजस्वी यादव पर और उनके परिवार पर, लेकिन लालू यादव पर अलग से मुकदमा चलाया जाएगा। लैंड फॉर जॉब मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव पर केस चलेगा। CBI को केंद्र सरकार से इसकी इजाज़त मिल चुकी है। एक महीने पहले CBI ने केंद्र से लालू के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त मांगी थी। CBI ने आज दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट को बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कथित लैंड फॉर जॉब केस में ताज़ा आरोप पत्र के संबंध में गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। लैंड फॉर जॉब मामला जब लालू यादव के रेल मंत्री थे उसी में गृह विभाग से अनुमति की जरूरत थी। CBI ने बताया कि हमें लालू के अलावा 3 अधिकारियों के खिलाफ भी केस चलाने की मंजूरी मांगी है जो फिलहाल नहीं मिली है। उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक इजाज़त मिल जाएगी। डिप्टी CM तेजस्वी यादव पर CBI की ओर से दायर चार्जशीट पर दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। तो तेजस्वी यादव की भी मुश्किलें एक तरीके से बढ़ती नजर आ रही है। तेजस्वी यादव पहले से भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाते आए हैं कि जब से नीतीश के साथ उन्होंने सरकार बनाई तब से केंद्र सरकार उनके पीछे पड़ गई है। 12 सितंबर को तेजस्वी यादव पर CBI की ओर से दायर चार्जशीट पर सुनवाई हुई। CBI ने 3 जुलाई को तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अगली सुनवाई में तय होगा कि चार्जशीट में क्या होना है। अगले कोर्ट अगर कोर्ट तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट एक्सेप्ट कर लेती है तो उन्हें इस मामले में जमानत लेनी पड़ेगी, नहीं तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों मैंने बता दिया कि क्या है ये मामला और आप लोग भी जानते ही होंगे क्योंकि ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। CBI ने 8 अप्रैल तक अब 8 अप्रैल में 8 घंटे तक पूछताछ किया था दोस्तों, जो कि एक बड़ा मामला बना था जब उनके घर पे ED और CBI ने बहुत लंबे देर तक पूछताछ की थी। तेजस्वी यादव का भी मामला अब सीरियस हो गया है। लैंड फॉर जॉब केस में ED ने आरोपी बनाए। तो दोस्तों अब मुश्किलें कम होती नज़र नहीं आ रही है लालू फैमिली और यादव फैमिली की। हो सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही तेजस्वी यादव और लालू यादव को एक बार फिर से जेल जाना पड़ सकता है। लालू यादव लंबी सज़ा के बाद एक तरीके से उनका स्वास्थ्य भी काफ़ी ख़राब था, सिंगापुर से उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था, उसके बाद वो अभी स्वस्थ हुए ही थे कि अब उन पर ये एक नया मामला बनता नज़र आ रहा है।
और केंद्र सरकार नहीं चाहती कि लालू फैमिली लोकसभा चुनाव में इकट्ठे होकर नीतीश के साथ महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े, ऐसा दोस्तों विपक्ष का आरोप है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विपक्ष का आरोप है। विपक्ष ऐसे आरोप लगाती आ रही है कि इंडिया गठबंधन जब से बनी है और जब से नीतीश लालू के साथ आए तब से केंद्र सरकार लालू यादव की फैमिली के पीछे पड़ी हुई है, और ऐसा कई मामलों में देखा भी जा सकता है। तो दोस्तों आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या लालू फैमिली को केंद्र सरकार जानबूझकर परेशान कर रही है, या फिर लालू यादव इस मामले में एक तरीके से दोषी भी हैं? तो जो भी हो, सीबीआई जब जांच करेगी तो सामने आएगा ही, पर आप लोगों का जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने फ्रेंड और फैमिली तक शेयर भी कीजिए। मिलते हैं दोस्तों किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार, कमेंट जरूर कीजिएगा।